सेठ चंदूलाल का बेटा उनसे पूछ रहा था, पापा दूल्हा को लोग गधे पे क्यों बिठाते? तो चंदूलाल ने कहा, बेटा दूल्हा को लोग घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, गधे पर क्यों नहीं बिठाते? तो चंदूलाल ने कहा, बेटा घोड़े पे इसलिए बिठाते ताकि पता चलता है कौन दूल्हा है और कौन घोड़ा है, गधे पे बिठा दे तो कैसे पता चलेगा कौन दूल्हा है कौन गधा है, वरमाला किसके गले में पहनाएगी, वधू बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगी, एक गधे पर दूसरा गधा चढ़ा बैठा है, इसलिए घोड़े पे बिठालते। जैसे ऐसा हुआ एक बार, जब रामलीला शुरू हुई और सीता का स्वयंवर रचा गया, तो कहानी यूं है कि खबर आती है लंका से कि हे रावण तेरी लंका में आग लगी, तो रावण भागता है, लंका में आग लगी हो तो ये कोई विवाह रचाने का अवसर है, बेचारा भागता अपनी लंका बचाने, ये तरकीब है, ऋषि मुनियों की जालसाजी, ये झूठ है, लंका बगैर में कोई आग नहीं लगी थी, मगर जब तक वो बेचारा लौटे तब तक यहां मामला खत्म हो गया, उसको हटाना जरूरी था क्योंकि वो शिव का भक्त था और वो शिव का धनुष था और उसने प्रार्थना की थी शिव से, उसे वरदान था कि शिव उसकी साथ देंगे, सहायता करेंगे। अरे अपने चमचों की कौन सहायता नहीं करता, छोटे मोटे भी करते हैं वो तो शिवजी बेचारे, बड़े पहुंचे हुए पुरुष, और ये रावण कितनी सेवा किया, उनकी अपनी गर्दन काट काट के रख देता था, अब और क्या चाहिए, चमचे से और क्या चाहिए, तो वो तोड़ देता धनुष्मान, डर था, रामचंद्र जी उसके सामने छोक रहे ही थे, एक दो धौल जमाता और तोड़ ताड़ के अपना लेके सीता को रवाना हो जाता तो सब रामायण वहीं खत्म कर देता, तो उसको भगाना पड़ा, जब तक वो गया तब तक राम ने धनुष्मान तोड़ लिया, विवाह हो गया। अब इसको तो बार बार होता है तो लोग जाते से अपना इंजाम करके लेके जाते हैं, रामलीला लोग देखने जाते हैं तो दरी ले जाते हैं, चटाई ले जाते हैं, कंबल तक ले जाते हैं, अपने दरी चटाई बिछा के कंबल ओढ़ के मस्त बच्चों को सुला के फिर खुद भी झपकी लेते, मगर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे तक जग गए, क्योंकि जब रावण को खबर आई कि तेरी लंका में आग लगी, उसने कहा कि लगी रहने दो, लोग थोड़े चौंके कि ये बात क्या है, जनक महाराज भी थोड़े हैरान हुए, अब करना क्या है, रामचंद्र जी की तो सटपटी गुम हो गई होगी, लक्ष्मण बोले होंगे भैया आप क्या करना, और उसने तो रावण ने आओ देखा ना ताओ, वो गुस्से में था, असल में मैनेजर ने उसको जितनी मिठाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी थी, कम दी थी, उसने कहा देख लेंगे, उसने पहली अवसर हाथ आया दिखा दिया, उठा और उसने तोड़ दिया धनुष, धनुष भी क्या था, कोई शिवजी का धनुष, ये इसकी पौड़ी रखी हुई थी बांध के, उसने तोड़ ताड़ के कई टुकड़े करके फेंक दिए, एक दो नहीं, और उसने कहा निकाल तेरी सीता कहां, खत्म करो इस बात को एक बार, क्या हर साल लगा रखा है कि वो का वो खेल फिर से हो, फिर सारी जनता जग गई, बच्चे रोने लगे, स्त्रियां चौंक गई, लोग खड़े हो गए, बैठे नहीं, ये हो क्या रहा है, न देखा कभी आंखों से, न सुना कभी कानों से,
नई ही रामलीला हो रही। वो तो भला हो जनक का, बूढ़े थे, सयाने थे, पुराने अनुभवी थे, घाघ जिसको कहते, कई रामलीलाएं करवा चुके थे। उन्होंने तत्क्षण मामले को संभाल लिया। उन्होंने कहा, भृत्यो, तुम भूल से मेरे बच्चों के खेलने का धनुष ले आयो। अरे ये शिवजी का धनुष नहीं है, शिवजी का असली धनुष लाओ। पर्दा गिराया, धक्का दे के किसी तरह रावण को हटाया, दूसरा धनुष बाण लाया गया और दूसरे आदमी को रावण बना के लाया गया। जनता बड़ी चौंकी कि रावण तो दूसरे मालूम होते, वो पुराना पहलवान कहां, उसको तो चार आदमी पकड़े अंदर बैठे। वो भीतर से चिल्ला रहा, जी मैं धनुष्बाण तोड़ूंगा, आज मामला खत्म ही कर देना, रफा दफा। किसी तरह उसको मिठाई दी, समझाया बुझाया, भैया धनुष्बाण ना तोड़, तू जितनी मिठाई लेना हो ले ले, और आगे से हम ख्याल रखेंगे, जो भूल हुई सो हुई। कभी कभी ऐसे मौके आते, अन्यथा तो रामलीला में लोग सोएंगे, वही का वही पुनरुक्त हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए हम यही उपयोग करते न, बल्कि सो माँ बैठ जाती बगल में, दबा देती बच्चे को बिस्तर में, चारों तरफ से कंबल दबा देती, भाग भी नहीं, और बैठी कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा। अब क्या खाक करे राजा बेटा और मुन्ना बेटा, सोए नहीं तो क्या करे। हालांकि मां यही सोचती कि मेरी सुरीली राख के कारण सो रहा है, ये सुरीली राख का सवाल नहीं है, ये ऊप पैदा हो रही, घबरा रहा है वो। ये तो माँ अगर बच्चे के बाप के पास भी बैठ के कहे कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, तो वो भी सो जाएंगे। अगर नींद ना आएगी तो भी कम से कम बहाना करेंगे, घुर्राने लगेंगे कि आ गई भाई, नींद आ गई, तू जा, अब हम कभी ना उठ। एक छोटे बच्चे ने, मुल्ला नसुद्दीन का बेटा फजलू, उसने सेव का वृक्ष काट डाला। नसरुद्दीन ने उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के पहले पूछा कि तूने सेव का वृक्ष काटा, तूने ही काटा? उसने कहा, मैंने ही काटा। उसके बाप ने, नसरुद्दीन ने कहा, मैंने तुझसे कितनी बार नहीं कहा था कि इस वृक्ष को काटना मत, तू ये कुल्हाड़ी लिए बगीचे में क्यों घूमता है? ये बगीचे को बर्बाद करना, ये वृक्ष मैंने मुश्किल से लगाया था, बामुश्किल बड़ा हुआ था, इस भूमि में, इस तापमान में, इस आब हवा में सेव लगते नहीं, इसमें सेव लगने शुरू हो गए थे। मना किया फिर भी तूने काटा, और ऊपर से तू ये भी जुर्रत कर रहा है कि इनकार भी नहीं करता, कहता है कि हाँ काटा। तो बेटे ने कहा, आपने ही मुझे कहानी सुनाई थी कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सेव का वृक्ष काट दिया था, और जब उसके बाप ने पूछा तो वाशिंगटन ने कहा, हाँ वृक्ष मैं नहीं काटा, बाप ने मारा तो नहीं वरन पुरस्कार दिया, क्योंकि बेटा सत्य बोला। मैं तो उसी आधार पे चल रहा हूं, उल्टी मुझे पिटाई पड़ रही। बाप ने कहा, वो कहानी मुझे मालूम, मैंने तुझे सुनाई, मगर तू ये भी ख्याल रख कि जब वाशिंगटन ने सेव का वृक्ष काटा था तो उसका बाप वृक्ष पे नहीं बैठा था। हरामजादे में वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। ये भी कोई वक्त था काटने का। उस समय
कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में गजब कर दिया। मगर चमत्कार ही करना हो परमात्मा को तो क्या नहीं कर सकता रे, उसके हाथ में सब कुछ। एक अरब आदमी कैसे बिठा दिए, यूं समझो कि रहा होगा कोई, जैसे रेलगाड़ी का कंडक्टर थर्ड क्लास के डब्बे में आदमी भरते ही चला जाता, इसलिए तो उसको डब्बा कहते। डब्बा जैसा सुंदर शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं, दुनिया की किसी भाषा में रेल के डब्बे को डब्बा नहीं कहते, यही कहते हैं, क्योंकि यहां उसका व्यवहार डब्बे की तरह होता, भरते जाओ, न संख्या का कोई सवाल है, भरने वाले चाहिए, या रहा होगा कोई दिल्ली का टैक्सी चलाने वाला। एक टैक्सी में 18 आदमी पकड़े गए, टैक्सी को पकड़ के थाने ले जाया गया। सरदार जी जो टैक्सी चला रहे थे उनको बहुत डांटा डॉक्टर थानेदार ने और कहा कि तुमने हद कर दी, 18 आदमी। सरदार ने कहा कि आप भरोसा करते तो 18 आदमी बिठा के बता दो। हालांकि 18 आदमी उनके ही सामने उतारे गए थे, मगर थानेदार और सारे पुलिस वाले कोशिश करके 18 आदमी ना बिठा सके गाड़ी में। तो उस टैक्सी वाले ने कहा आप बोलो। अरे जब कोई बैठ ही नहीं सकते 18, तो सरासर झूठ बात। थानेदार ने कहा तूने भी गजब कर दी, अपनी आंखों से हमने उतरते देखे मगर चढ़ा नहीं पा रहा, ये हम भी मानते। तो भगवान भी कोई टैक्सी वाला रहा या कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान। हाँ हॉकी क्रिकेट का मैच करना हो तो ठीक, ओलंपिक भी करना हो तो मुश्किल पड़ जाए, तो छोटा पड़ जाए। वहां 125 अरब आदमी मरवा डाले, और जरा सोचो तो कि 125 आदमी जहां लड़े हो वहां थोड़ी बहुत जगह भी तो चाहिए, कि अगर घमासान एक दूसरे के साथ खड़े हो तो घूंसा तक चलाना मुश्किल, तलवारा वगैरह निकालेंगे कहां, और हाथी घोड़ों का क्या होगा, और रथ वगैरह कैसे चलेंगे, ये तो वैसे ही मर जाएंगे, बिना मारे मर जाएंगे। पति पत्नी ने पति के देर से घर लौटने पर झगड़ा हो रहा था, पत्नी बोली अगर आप आइंदा रात 9 बजे के बाद आएंगे तो मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी। पति ने कहा तब तो पड़ोस वाले गुप्ता जी से ही कर लेना। पत्नी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा गुप्ता जी से ही क्यों? पति ने शांति से उत्तर दिया मैं उनसे बदला लेना चाहता। यहां कुछ कमी है। एक दोस्त अपने संगी साथी से कह रहा था बारिश आने वाली है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरी पत्नी बाजार गई हुई। उसके मित्र ने कहा इसमें डरने की क्या बात है, अरे बारिश कुछ उससे गला तो न देगी, कोई मिट्टी की तो बनी नहीं, बहुत बारिश आ जाएगी तो किसी दुकान में घुस के खड़ी हो जाएगी। मित्र ने कहा इसी का तो डर, जिस दुकान में घुस जाती वहीं उधारी करके आ जाती। डॉक्टर चंदूलाल से कह रहे थे चंदूलाल यह कोई पुरानी बीमारी जो आपका सुख चैन नष्ट कर रही। चंदूलाल मुंह पे हाथ रख के अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके डॉक्टर से बोले जरा धीरे डॉक्टर साहब, वह इधर ही खड़ी हुई है।
एक पुरुष और एक स्त्री पार्क में बैठे बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे। अचानक स्त्री उठी और पुरुष को एक चांटा मारकर गुस्से में वहां से चली गई। इतने में पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने वहां बैठे पुरुष से पूछा, वह स्त्री क्या आपकी पत्नी थी? इस पर पुरुष ने बड़े तैश में आके जवाब देते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम मुझे इतना बेगैरत इंसान समझते हो कि मैं किसी ऐरी गैरी स्त्री से चांटा खा लूंगा? कई वर्षों के बाद कॉलेज के दो साथियों की मुलाकात हो गई और बातचीत का सिलसिला हुआ। कैसे रहे इतने वर्षों तक, कोई खास बात नहीं हुई। कॉलेज छोड़ने के फौरन बाद मैंने शादी कर ली थी, ये तो बड़ा अच्छा किया। नहीं, मेरी पत्नी बहुत लड़ाका थी। ओह, इससे जीवन जहर हो गया होगा? नहीं, इतना बुरा भी नहीं हुआ। दहेज में 5,000 रुपए मिले थे, उससे तो बड़ा फायदा हुआ होगा। नहीं, उस रकम से मैंने दुकान कर ली, लेकिन बिक्री ही नहीं होती थी, तब तो बड़ी मुसीबत रही होगी। नहीं, बुरा भी नहीं हुआ। युद्ध काल में दुकान बड़े भाव में बेचती, 10,000 का नकद फायदा हो गया। यह बहुत अच्छा किया तुमने। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं हुआ। उस रकम से मैंने एक मकान खरीद लिया और मकान में आग लग गई, यह तो बड़ी बदकिस्मती रही। नहीं, इतनी बदकिस्मती भी नहीं रही, मेरी पत्नी भी उसमें जल गई। यहां जिंदगी में क्या कमी है? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख, गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील, कभी देखने मत जाना, ऐसी गंदी स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था कि बहुत पछताएगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ? उन्होंने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा मुझे देखती सुन उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी, हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर, वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन? मैंने कहा ये मोहनी बाबा। मोहनी बाबा, इनकी क्या खूबी? मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे, वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे, सख्चाए भी। मैंने उनको इशारा किया कि सख्चाना मत, अब जब मोनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे, दिया बात ठीक नहीं।
घर पहुंचे सोनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि मौनी बाबा है 30 साल से मौन, और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जाऊं कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए, अपने दिल की मुझसे कहे। जैसे ही रात आई दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा थे? इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता, और मेरे पैर पर गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है, और स्त्रियों की सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? उनके मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं, मुझमें कुछ चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाए, मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत और मुझको धक्के वगैरह ही मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी टुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो, अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तक बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो, और इधर मैं कट फीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए, अब मैं कट फीस कहां खरीदूंगा, ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके आस में कट फीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हो, शकल कुछ पहचानी मालूम होती। एक दो आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शकल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में, अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है तो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। उनका लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा है, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष है, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते, वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बात कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें, मगर लोग मान रहे। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहे कि क्या करवा रहे, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊं, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कट पीस तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कट पीस खरीदे, कोई देख ले कट पीस खरीदता कि मौनी बाबा कट पीस खरीद रहे। रास्ते भर मुझ पर नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी ना जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो दाढ़ी बढ़ा लो।
अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूछ बढ़ा के चले जाए। हाँ उनका ये बात जस्ती। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना अरे देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें जैसी होती है, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो ट्रेन से उतर जाऊंगा, और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे, 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पहुंचते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे, उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद है, बहुत नाराज हो गए हैं कलकत्ते से, इतना हूं धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद। वो सीधे साधे आदमी मौन एकांत वास करते, बस में अपनी जेब कटती देख यात्री ने शोर मचाया, जेब कतरा उसे पकड़कर थाने लाया, और थानेदार से बोला हुजूर यह आदमी शहर में अव्यवस्था फैलाता है, हमें शांतिपूर्वक जेब नहीं काटने देता, गंवारों की तरह चिल्लाता है। थानेदार यात्री से बोला क्यों जी, दिल्ली में नए आए हो क्या, नए नहीं आए तो फिर भांग खाए हो क्या, इस शहर में कायदे कानून नहीं जानते, जेब कतरों से अकड़ते हो, अपनी औकात नहीं पहचानते, यह संभ्रांत जेब कतरा बिना तुम्हारे शरीर को आघात पहुंचाए अपना काम कर रहा था, इसे धन्यवाद देने की बजाय चिल्लाते हो, गांधी के देश में शांति और अहिंसा का मजाक उड़ाते हो, अगर ये तुम्हें छुरा घोंप देता, घोंट देता तुम्हारा गला, कर लेता अपहरण, तब क्या कर लेते तुम और क्या कर लेते हम, खुद अपने ऊपर चाकू चलवाते और दोष पुलिस को लगाते, फिर ये पढ़े लिखे जेब कतरे जेब ना काटें तो कहां जाएं, क्या करें, भूखे मरें, कुएं में पड़े, इलेक्शन लड़े, डिग्रियों को चबाएं, सबके सब तो नेता नहीं बन सकते, भाईजान चिल्लाने से आपदाएं नहीं टलती, उन्हें आराम से सहना सीखो, शहर में आए हो तो शहरियों की तरह रहना सीखो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो बगल के कमरे में जाओ और जेब कतरे जी से चुपचाप अपनी जेब कटवाओ। और ये उल्लू तो हर जगह मिलेंगे, हर साख पे उल्लू बैठे, इनसे बचा भी तो नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं, इनकी जय जयकार करो, तेरी जय हो उल्लू भैया, तेरी जय हो, तुम ही हो अपने पूज्य पिताजी, तुम ही हो मेरी मैया, तेरी जय हो उल्लू भैया, तुम निर्धन के हो दुश्मन, पूंजीपतियों के चाचा, जिसने भी आंख दिखाई झट उसको पड़ा तमाचा, सब तेरे आगे पीछे करते हैं ताता थैया, जय हो उल्लू भैया, तेरी जय हो उल्लू भैया, जितने भी चोर जुआरी सब तुम पर हैं बलिहारी, कभी कभी तो मुझको तुम लगते हो सरकारी, हो जाए तुम जैसा तर जाए उसकी नैया, तेरी जय हो उल्लू भैया। हम कवियों से लक्ष्मी जी रहती हैं रूठी रूठी, जब से आए धरती पर तब से ही किस्मत फूटी, भिजवा दो दिवाली पर केवल 2 लाख रुपया, तेरी जय हो उल्लू भैया।
ऐसा हुआ जयपुर में मेरे पास, एक जोशी को लोग ले आए, 1001 रुपया उनकी फीस थी, उससे कम में वो हाथ भी नहीं देखते थे, मुझसे बोले कि आपको मेरी फीस पता है। मैंने कहा जो भी फीस होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बता दूं 1001। मैंने कहा तुम फिक्र छोड़ो, मैं 1002 दूंगा। अब तुम आ ही गए हो, इतना कष्ट किए तो खाली हाथ जाना उचित नहीं, तुम मजे से मेरे हाथ का अध्ययन करो। कुछ बातें यहां वहां की उन्होंने कही जो कि बंधी हुई बातें, जो कि जोशी सभी को कहते, जो कि सभी के संबंध में सही होती, थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ता है और बातें इस ढंग से कहनी होती कि उनमें हेर फेर करने की सुविधा होती, गोलमोल करनी होती। फिर चलने का वक्त आया तो वो राह देखने को उनकी फीस मिले। मैंने कहा आप जाइए भी, अब मैं कुछ और काम करूं। उन्होंने कहा मैं तो जाऊं लेकिन फीस। मैंने कहा ये तो आपको पहले ही सोच लेना था, अपना हाथ देख के घर से निकलना चाहिए। उनका आपका मतलब? मैंने कहा मेरा मतलब ये कि मैं तो फीस देने वाला नहीं हूं, तुम्हें मेरा हाथ देखते से समझ लेना था कि इस आदमी से फीस नहीं मिलने वाली। सच तो ये है तुमने मेरा इतना समय खराब किया, इसकी फीस तुम मुझे दो। और तुम निपट बुद्धू हो क्योंकि तुमको ये भी पता नहीं कि आज किसका हाथ देखने जा रहे हो, उससे फीस मिलने वाली नहीं। पत्नी चंदूलाल से कह रही थी तुम मर्द लोग कितने लाचार होते हो जी, हम औरतें न रहे तो तुम्हारे बटन कौन टांकेगा। चंदूलाल बोले बटन टांकने की फिर जरूरत ही कहां रह जाएगी, देवियों तुम्हारे ही कारण तो ये बटनों को टकवाना पड़ रहा, ये तो बिना ही बटन टांके हुए घूमेंगे ना। मोटर की कतार का तथा सिपाही के खड़े हाथ की ओर ध्यान न देकर एक व्यक्ति ने बड़ी शांति से चौराहा पार करना आरंभ किया था। ब्रेकों की आवाज गूंज उठी, ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ उस व्यक्ति के पास आया और बोला कि आपको मेरा खड़ा हाथ दिखाई नहीं देता था? खड़े हाथ का मतलब मैं नहीं जानूंगा, वह व्यक्ति चिल्लाकर बोला। 50 साल से ज्यादा हो गया मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। अरे लघु संघ का करने जाना, जाओ अपनी अपनी दृष्टि। वो बेचारा 50 साल से स्कूल में पढ़ा रहा, बच्चे हाथ खड़ा करते, मतलब लघु संघ का। अब पुलिस वाला हाथ खड़ा किए, तुमको करना लघु संघ का करो, इसमें मुझे क्या लेना देना। उस बेचारे ने ठीक कहा कि 50 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद मुझे पता नहीं होगा कि खड़े हाथ का क्या मतलब होता, जरूरत क्या खड़ा हाथ करने की, तुमको लघु संघ का करनी करो, मैं कोई रोक रहा हूं। लड़की का बाप अपने होने वाले दामाद को अपने परिवार का एल्बम दिखा रहा था। उस खानदान के 50वें चित्र देखने के बाद एक मजबूत काठी के बूढ़े का चित्र सामने आया। लड़की के बाप ने बड़े गर्व से कहा ये हमारे हैं आदि पुरुष, इन्होंने ही हमारे खानदान की स्थापना की। ये क्या थे बताया ना, इन्होंने ही हमारे खानदान की बुनियाद डाली। दामाद ने पूछा जी वो तो मैं समझा, मेरा मतलब है कि दिन के वक्त में ये क्या करते थे। खानदान की स्थापना तो रात में करते हूं मगर दिन में सिर्फ खानदान की स्थापना ही करते थे, कोई धंधा वगैरह नहीं करते।
लोगों के प्रश्न भी उनकी दृष्टियों से उठते हैं। डब्बू जी पहली बार दिल्ली जा रहे थे। उनके मित्र चंदूलाल ने उन्हें कहा कि मित्र ख्याल रखना कि दिल्ली के लोग बड़े चालबाज होते, वहां के दुकानदार ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकने में बड़े माहिर होते, हर चीज की कीमत दोगुनी बताते, तो कोई भी चीज खरीदने के पहले मोल भाव करना न भूलना। डब्बू जी एक छाते की दुकान पर छाता खरीदने के लिए पहुंचे, छाते के दाम पूछे तो दुकानदार ने कहा कि 20 रुपए होंगे श्रीमान जी। डब्बू जी को फौरन चंदूलाल की सीख याद आई, वे बोले कि मैं तो अधिक से अधिक बस 10 रुपए इस छाते के दे सकता हूँ, इससे एक पाई ज्यादा नहीं। दुकानदार बोला अच्छा ऐसा करिए आप 15 रुपए दे दीजिए। डब्बू जी बोले अब तो मैं 7.5 रुपए ही दूंगा। दुकानदार बोला देखो अभी तुमने 10 रुपए कहा था, चलो 10 रुपए ही निकालो। डब्बू जी को लगा कि दुकानदार तो बड़ा चालबाज है, वे बोले अब तो मैं 5 रुपए में ही खरीदूंगा, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। दुकानदार इस मोल भाव से झल्ला गया और बोला कि ऐसा करो कि मुफ्त में ही ले जाओ। डब्बू जी बोले अगर मुफ्त में दे रहे हो तो मैं 2 छाते लूंगा एक नहीं। तुमने मुझे समझा क्या है? अरे मैं भी तैयार होके आया हूं, बिल्कुल आंखों में धूल झोंक रहे हो, एक छाता मुफ्त में पकड़ा रहे हो, 2 लूंगा 2, इससे एक कम नहीं लूंगा। भारतीय मानस को बड़ी पीड़ा होती शराब की बात ही सुन के। यह मोरारजी देसाई स्वमूत्र पी ले मगर शराब नहीं पी सकते, उनके अंतःकरण को कोई अड़चन नहीं आती स्वमूत्र पीने, आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि भारतीय मानस गौमूत्र तो जमानों से पीता रहा। अरे जब गौमूत्र पीते रहे तो ये तो स्वावलंबन है, गौमूत्र नहीं पीते रहे भारतीय, हिंदू तो पंचामृत का सेवन करते। पंचामृत का अर्थ होता है गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, ये पांचों चीजों को मिला के घोंट के पी गए तो पंचामृत। पंचामृत पीने वाले देश में अभी मोरारजी देसाई ने तो एक ही अमृत खोजा, अभी तुम देखना कोई आएगा और बड़ा महात्मा जो आदमी में से पंचामृत निकाले और वो भी हमें स्वीकार हो जाए, उसमें भी हमें कोई अड़चन न होगी। सत्य वेदांत ने पूछा है भगवान, हाल ही में अपने एक वक्तव्य में श्री डोंगरे महाराज ने कहा कि जो मनुष्य देवता की पूजा किए बिना अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म दर्शन पहले मूर्ति में होता है। श्री डोंगरे महाराज ने बताया कि गणपति की पूजा करने के बाद ही पानी पीना चाहिए और गणपति ही एक ऐसे देवता हैं जो हाथ में लड्डू लिए बैठे, इस लड्डू में मीठापन क्योंकि ज्ञान ही लड्डू। उन्होंने बताया कि माता जी शक्ति की पूजा भी आवश्यक है, बिना शक्ति के जीवन बेकार, शक्ति से ही भक्ति होती और भक्ति से ध्यान में स्थिरता आती। गणपति का ध्यान करने से विघ्न नहीं आता और माता जी के ध्यान से शक्ति आती। श्री डोंगरे महाराज ने शिव को संयम की मूर्ति बताया और कहा कि संयम से ही शक्ति बढ़ती, इसलिए शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान आप इन वक्तव्यों पर कुछ कहने की अनुकंपा करें। सत्य वेदांत, डोंगरे का बालामृत पियो, उससे सब समझ में आ जाएगा। बालकों के लिए डोंगरे का बालामृत, उससे शक्ति भी आएगी भक्ति भी आएगी और गजब की चीजें होंगी।
और डोंगरे का बालामृत मीठा भी होता। क्या लड्डू, इस तरह के लोग हैं। क्या क्या लोगों को समझा रहे, सीधे सीधे डोंगरे का बालामृत ही बेचे तो ठीक, मगर क्या क्या व्यर्थ की बकवास और कचरा। एक एक बात को थोड़ा सोचो। पहली बात कि जो मनुष्य देवता की पूजा किए बिना अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। तो बाकी कामों के संबंध में क्या कहोगे? जो आदमी देवता की पूजा किए बिना सोता है वह पाप सोता है। जो आदमी देवता की पूजा किए बिना चलता है वो पाप चलता है। तो 24 घंटा देवता की पूजा करो और देवता भी कोई एक दो। हिंदुस्तान में तो 33 करोड़ देवता है और तुम्हें पक्का पता है, पूछना डोंगरे महाराज कि वो जो गणपति हाथ में लिए बैठे वो लड्डू है? क्योंकि बहुत बड़े पंडित महापंडित राहुल संस्कृतायन जीवन भर ये सिद्ध करते रहे वो लड्डू नहीं अंडा है। वो भी महापंडित थे। उन्होंने बड़ा समय लगाया इसको सिद्ध करने में, अंडा है। वो अंडे के भक्त थे, वो असल में खुद अंडा खाते थे। तो अपने अंडे के लिए समर्थन तो खोजना पड़ेगा। और अब कैसे सिद्ध करोगे कि अंडा है कि लड्डू है? गणेश जी हैं, इनका भरोसा भी क्या, इनकी सकल सूरत तो देखो, ये अंडा भी खाते रहे हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। मूसा के जीवन में उल्लेख, वे जंगल से गुजर रहे हैं और ठिठक के खड़े हो गए। बात ही ऐसी थी कि ठिठक के खड़े हो जाना पड़ा। एक चरवाहा गड़रिया सांझ की प्रार्थना कर रहा था, सूरज डूब रहा है और वो सांझ की प्रार्थना कर रहा, दोनों हाथ ऊपर उठाए आकाश की तरफ देख रहा और कह रहा, हे प्रभु, अरे तू मुझे अपने पास बुला ले, अकेले रहते रहते थक गया होगा, परेशान होता होगा और मैं तेरे सब काम निपटा दूंगा। अरे मैं कई काम जानता हूं। मूसा तो बड़े हैरान हुए, ऐसी प्रार्थना उन्होंने सुनी ना थी कभी, कि ये आदमी ये बता रहा है कि मैं कई काम जानता हूं और तू थक गया होगा अकेले अकेले, और मेरे बिना तेरा कैसे काम चलेगा, कब तक चलेगा, तू मुझे बुला ही ले और देख, मैं मालिश भी कर देता हूं, चंपी भी कर देता हूं, तू थक जाएगा तेरे पैर दबा दूंगा, पता नहीं कोई तुझे नहलाता करता है या नहीं, मैं तुझे खूब घिस घिस के नहलाऊंगा, तुझे भरोसा ना हो तो मेरी भेड़ों को देख ले। अरे ऐसी झक भक भेड़ें कहीं हैं, किसी और गड़रिये के पास हैं? जरा बर्दाश्त के बाहर होने लगा मूसा के, कि क्या प्रार्थना हो रही। और तब तो उसने हद कर दिया, खीर में बोला, और अगर तेरे जुए वगैरह पड़ जाएंगे तो वो भी निकाल दूंगा, अरे भेड़ों तक के निकाल देता हूं। मूसा ने कहा, चुप नालायक बदतमीज, ईश्वर को जुए पड़ जाएंगे और तू निकालेगा, और तू समझ रहा तू प्रार्थना कर रहा, अगर एक शब्द भी मुंह के बाहर निकाला तो वो चांटा मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा, बंद कर ये प्रार्थना, किसने तुझे ये प्रार्थना सिखाई? वो गड़रिया तो बेचारा एकदम पैरों पर गिर पड़ा मूसा के। उसने कहा कि हजरत मुझे किसी ने सिखाई नहीं, मैं तो गरीब आदमी बेपढ़ा लिखा,
खुद ही बना लेता हूं, और जब जैसी बन जाती, अब आज यही बन गई। एक छोटे बच्चे से उस स्कूल में पूछा, ईसाइयों का स्कूल, पादरी ने पूछा कि तेरे घर पर तू रात प्रार्थना करके सोता है ना? उसने कहा कभी कभी। पादरी ने पूछा कभी कभी, और कभी कभी क्यों नहीं करता? उसने कहा कि जब मैं अकेला होता हूं, जब मुझे डर लगता तब करता हूं, और जब कमरे में पिताजी सोए होते, माताजी सोई होती, क्यों करूं? जब डर ही नहीं लगता तो करना किस लिए? प्रयोजन है। तो पादरी बहुत हैरान हुआ, उसने कहा खाने के वक्त तो पूजा करता है कि नहीं? उसने कहा कभी नहीं, क्योंकि मेरी माँ खाना तो बहुत अच्छा बनाती, पूजा वगैरह किस लिए करनी? वो तो पूजा वो लोग करते हैं जिनकी माताएं ऐसा खाना बनाती हैं कि भगवान का नाम याद आता है, एकदम मालूम होता राम नाम सत्य। उसने कहा कि मेरे पड़ोसी में एक लड़का रहता, वो रोज पूजा करता है, उसकी माँ गजब का भोजन बनाती। शुरू शुरू में जब आई थी, अभी अभी उसकी शादी हुई थी, पति घर लौटा तो बड़ी उदास बैठी थी, तो पति ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि वो जो मैंने परांठे बनाए थे वो बिल्ली खा गई। तो पति ने कहा मत घबरा, कल दूसरी बिल्ली खरीद लाएंगे। ऐसा क्या घबराने की बात, अरे बहुत से बहुत बिल्ली मरेगी और क्या होगा, तेरे परांठे खाए और कोई इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं, तो दूसरी बिल्ली ले आएंगे, तब क्यों चिंता कर रही? उस लड़की का बेटा रोज प्रार्थना करता है, मगर मैं नहीं करता क्योंकि मेरी माँ तो अच्छा भोजन बनाती। चंदुलाल के घर एक आदमी ने आके कहा, उतरा कार से और चंदुलाल से बोला कि आपकी पत्नी घर पर है या नहीं? क्योंकि सेठ बुलाकी राम ने, सेठ बुलाकी राम के घर के यहां से लड्डू आए, पत्नी तो बाहर गई थी लेकिन चंदूलाल के मुंह में पानी आ गया। कलयुग में कहां लड्डू? तो उन्होंने कहा पत्नी तो बाहर गई है, मगर कोई फिक्र न करो, सेठ बुलाकी राम को धन्यवाद देना और लड्डू तुम रख जाओ। वह आदमी थोड़ा हचकचाया। चंदूलाल ने कहा मत करो, मैं चंदूलाल ही हूं, तुम्हारे लड्डू को कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा नहीं आप समझे नहीं, मेरा नाम लड्डू है। कोई लड्डू वगैरह नहीं लाया हूं, सिर्फ नाम मात्र लड्डू। वो जो गणेश जी के हाथ में रखा हुआ वो कोई लड्डू थोड़ी है, नाम मात्र, उसमें कहां की मिठास। वो बता रहे उस लड्डू में मीठापन। ये बड़ी ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं। इस देश में तो ज्ञान के ऐसे झरने बह रहे हैं। क्या गजब की बात बताई कि लड्डू में मीठापन, जैसे ये भी मूढ़ों को पता नहीं। माना कि शक्कर की कमी है, मगर लड्डू में मीठापन ये तो किसी को भी पता है। और फिर उन्होंने और भी गजब का तात्विक ज्ञान निकाला कि ज्ञान ही लड्डू है। छोटे छोटे बच्चों को समझाओ ऐसी बातें तो समझ में आता है। इसलिए तो मैंने कहा डोंगरे का बालामृत पियो, सत्य वेदांत तुम्हें भी बहुत जचेगा, स्वादिष्ट, और शक्ति भी बढ़ती, भक्ति भी बढ़ती। उन्होंने बताया कि माता जी शक्ति की पूजा भी आवश्यक है,
कितनी पूजा करवाओगे भैया? पूजा ही करवाना है, कुछ और भी करवाना? मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, उसके जो कुलपति थे वो प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। नाम तो उनका कुंजीलाल था, मगर लोग कहते उनको चाबी लाल थे, पता नहीं। अकल तो उनमें बिल्कुल नहीं थी, मगर चाबी जरूर उनके पास थी, खोल लेते थे चीजें। जब वो कुलपति हुए तो उन्होंने जो पहले व्याख्यान दिया वो था एक टूर्नामेंट का उद्घाटन। सुनने का खेल तीन तरह के होते, आप तो जानते ही होंगे, खेल तीन तरह के होते, हॉकी, फुटबॉल और टूर्नामेंट। बात में से बात निकाल दो, क्या ज्ञान की बात कही कि खेल तीन तरह के होते। ये देख रहे हो डोंगरे जी महाराज क्या बातें निकाल रहे हैं। माता जी, शक्ति की पूजा भी आवश्यक, बिना शक्ति के जीवन बेकार। उसको समझ लेना चाहिए कि बिना शक्ति के जीवन बेकार, और बिना प्रेम शक्ति के तो जीवन बिल्कुल ही बेकार। शक्ति से ही भक्ति होती, इसको कहते हैं बात में से बात निकालना, बाल की खाल निकालना। श्री डोंगरे महाराज ने शिव को संयम की मूर्ति बताया और ये तो गजब हो गए। ये तो आखिरी बात हो गई, शिव और संयम की मूर्ति। और कहा कि संयम से ही देखते बात से वो निकाले जा रहे हैं, इसलिए शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव और संयम का क्या लेना देना, ऐसी कोई संयमी तो दिखाई नहीं पड़ते, नहीं तो पार्वती के प्रेम में क्यों पड़े। और फिर बारात लेके चले, और बारात देखी, उसमें डोंगरे महाराज जरूर रहे होंगे। वो बारात ही ऐसी थी, उसमें जितने इर्द-गिर्द छह आदमी सब आड़े टेढ़े। वैसी बारात तो कभी निकली ही नहीं, वो तो गजब की बारात थी, अद्वितीय थी। मुलिन की पतमरी उतार रहे थे ताबूत को, जीने पे जरा सकरी जगह थी, और उतारते वक्त जीने पर दीवार से धक्का लग गया और ढक्कन एकदम खुल गया और पत्नी उठ के बैठ गई। मरी नहीं थी, इतनी जल्दबाजी कर दी कि अभी बेहोश ही थी कि वो ले चली। इसको कहते संयम। अरे क्या माया मोह, और स्त्री है ही क्या नरक का द्वार। फिर 3 साल स्त्री जिंदा रही। स्त्रियां भी गजब की, मरमरे भी मरती नहीं, मार के ही मरती हैं। वैज्ञानिक भी चकित हैं कि स्त्रियां पुरुषों से 5 साल ज्यादा क्यों जीती हैं, अभी तक हिसाब नहीं लगा पाए, लेकिन 5 साल ज्यादा जीती। अगर पुरुष 70 साल जिएगा तो स्त्री 75 साल जिए, वो हमेशा पुरुष से आगे खड़ी रहती। वो 30 साल 3 साल और जी, 3 साल बाद फिर मरी, फिर संयोग आया, संयम का जल्दी से ताबूत बांधा गया। और जब लोग ताबूत उतारने लगे, जैसे ही मोड़ पे पहुंचे जीने के, मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, भाइयों जरा संभाल के, तुम्हारे बाप का क्या जाता, पिछली बार तुम तो धक्का मारे, 3 साल मुसीबत किसने बोल, और रोते भी जा रहा, आंसू भी गिरा रहा कि अब मेरा क्या होगा। इसको कहते संयम। संयमी तो फिर उन्होंने
डोंगरे महाराज ने शिव के संबंध में कुछ पढ़ा नहीं। अगर शिव सैनी है तो ये शिवलिंग सारे देश में क्यों खड़े किए गए? ये संयम का प्रतीक। अब मुझसे लोग कहते हैं कि मैं गड़बड़ बातें कहता हूं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? आंखें रहते आंखें बंद भी कैसे करूं? जहां देखो वहीं शिव जी विराजमान, और तुम पुराणों में खोजो तो तुम्हें कहानी मिल जाएगी कि ये शिवलिंग क्यों बना। ये इसलिए बना संयम के कारण कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया और कुछ तय नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सो निर्णय करवा लें। सो दोनों पहुंच गए, और जैसे द्वारपाल होते, जैसे हमारे संत महाराज, अक्सर सोए रहते। मतलब द्वारपालों का काम ही ये। अभी अभी जागे होंगे, सोच रहे होंगे मामला क्या है, क्या मेरी चर्चा हो रही। द्वारपाल सो रहा होगा और दोनों भीतर चले गए, और शिव जी संभोगातून समाधि कड़े, वो संभोग से समाधि साधरत है, मैं भी क्या करूं। सैनी आदमी समाधि न साधे तो करें क्या। और ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु हद निर्लज कि वहां खड़े ही रहे। अरे सज्जन आदमी हो तो कम से कम आंखें बंद कर ले, रुमाल बांध ले, मगर वो यूं खड़े रहे टकटकी लगा के 6 घंटे तक वो दर्शन करते रहे। भांग पिए होंगे उन्हें कहां पता, पार्वती बिचारी थोड़ी सक्षवाती भी होगी, मगर करे भी तो क्या करे। पति के खिलाफ तो जा भी नहीं सकती, पति यानी परमात्मा, और फिर ये शिव जी और नाराज हो जाए कुछ हो जाए। सो उसने भी मद्देनजर किया, खड़े रहो दोनों, ये दोनों खड़े रहे हटे नहीं, ये भी बड़े गजब के लोग। शिव जी भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, मुफ्त में ही फिल्म देखने मिले तो क्यों ना देख। जब 6 घंटे हो गए, जूते उतरे देखे बाहर, भीतर पहुंचा, धक्के देके इनको बाहर निकाला कि बाहर निकलो, कम से कम पूछ तो लेते। वो दोनों गुस्से में आ गए बहुत। देवी देवताओं का काम ही है गुस्से में आ जाना, इसलिए तो उनकी पूजा करने को डोंगरे महाराज कहते हैं। भैया पानी भी पियो तो पूजा कर लेना पहले, क्योंकि गुस्से में आ जाए कि तुमने बिना पूछे पानी पिया। भोजन करो पहले पूजा कर लेना।